हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर इन माय यूट्यूब चैनल लर्न वॉट एन की टूडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट जेनर ऑफ टेरिडोफाइट एंड दैट इज राइनिया राइनिया इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ फॉसिल प्लांट इसके जो रिकॉर्ड हैं वो अभी जितना भी इसके बारे में स्टडी हुई है उसके बेसिस पे देखा जाता है उसको स्टडी किया जाता है बट अभी ये एक फॉसिल है राइट सो लेट्स सी द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ राइनिया डिविजन इज टाइडोफाइडा क्लास इज रेनोपिडा ऑर्डर इज राइनियल्स एंड फैमली इज आइनी अगर हम इसकी जियोलॉजिकल अकरेंस की बात करें तो ये जो है लोअर डैवनियन पीरियड में मिलता था अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो ये उसमें मिलता था नॉर्मली वहाँ पर इसकी अक्रेंस थी और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मली जो ये स्पीशीज़ है ये कुछ जो स्कॉटलैंड है वहाँ से इसको मतलब इसका जो डिस्कवर हुआ था इसको किडिस्टन ने डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट से अभी हम डिस्कस करेंगे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें नॉर्मल यहाँ पर आप देख सकते हैं हालांकि मैं इसका स्ट्रक्चर अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी आप देख सकते हैं एरियल स्टेम है जो कि एयर के कांटेक्ट में है और उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर हैं कोन लाइक दीज आर स्पोरेंजिया एंड नीचे आप देख सकते हैं राइजोम प्रेजेंट है राइट सो लेट सी द मॉर्फोलॉजी सो किडिस्टिन एंड लैंड ने नाइनटीन में इसको डिस्कवर किया था एज अ फॉसिल प्लांट राइट और इसकी दो मेजर स्पीशीज हैं राइट right? इसकी दो मेजर स्पीशीज हैं राइनिया मेजर एंड राइनिया ग्वानी वॉगिनी राइट right? तो ये इसकी मेजर स्पीशीज इस हैं वर फाउंड प्रिजर्व एज द होल प्लांट इन पेट्रीफाइड कंडीशन और अगर हम अभी हम आने वाली वीडियो में फॉसिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो ये राइनिया है ये एज अ पेट्रीफाइड फॉसिल के फॉर्म में इसका जो पूरा जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है वो मिली है वो डिस्कवर हुई है राइट और ये जनरली जो हॉट स्प्रिंग होते हैं नॉर्मली जो सिलिका रिच हॉट स्प्रिंग होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं राइट ऐसे आप इसको अंडरलाइन करके देख सकते हैं ताकि आपको इजी हो राइनिया एक हर्बेशियस प्लांट है यानी कि इसमें वुड प्रेजेंट नहीं है द प्लांट इज कंसिडर्ड ऑफ अ सब प्रोस्टेड सिलेंड्रिकल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच राइजोम विच है ब्रांच लीफलेस एरियल शूट्स और इसकी प्लांट बॉडी जो है प्रोस्टेड है इरेक्ट नहीं है है यानी कि कॉर्नर पे ऐसे मतलब लैंड पे ये एक तरीके से जैसे क्रियर करके ग्रो करती है राइट सिलेंड्रिकल है डाइकोटोमस्टी ब्रांच हैं राइजोम भी डायकोटोमस्टली ब्रांच है आप देख आपने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में देखा होगा उसमें कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये डायकोटोमस्टिव ब्रांच है यहाँ पर आप देख सकते हैं राइजोम की दो ब्रांचेस यहाँ भी हैं इस तरीके से हर पोर्शन से दो दो ब्रांचेस हैं ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो ब्रांचेस हैं ठीक है तो ये राइजोम जो है वो डाइकोटोमस्टि ब्रांच है एंड एरियल शूट ऑफ राइनिया मेजर वर एस्टीम्ड एस्टिमेटेड टू बी फिफ्टी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सिक्स मिलीमीटर इन डाइमीटर एंड दोज ऑफ जो रानिया वैगनी जो स्पिशीज़ है वम्पेरेटिवली स्माल यानी कि जो मेज़र है एज द नेम इंडिकेट मेज़र है तो आप याद करने के लिए ईजी भी है कि मेज़र स्पिशीज़ है मेजर मतलब होता है कि बड़ा तो इसकी जो हाइट होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है और उसके अलावा जो राननिया वॉगनी है उसकी जो प्लान बॉडी है वो कंपेरेटिवली स्मॉल होती है प्लांट बॉडी को अगर हम देखें तो उसमें रूटेंट होती हैं राइजोम प्रेजेंट होते हैं राइट लोअर साइड में प्रेजेंट होते प्रे मैनी प्रेजेंट होती हैं जो कि इनमें देखी गई हैं एरियल ब्रांचेस में पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे मैंने आपको कौन शेप्ड बताया था बट तो डीज तो आर एक्चुअली पियर शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया राइट लेट्स सी द मॉर्फोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में जो कि राइनिया का एक कंप्लीट प्लांट बॉडी है टॉप मोस्ट से स्टार्ट करते हैं दीज आर पियर सेफ स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया दीज आर स्पोरेंजिया इस तरीके से आप देख सकते हैं एंड दीज आर स्टेराइल टिप बिकॉज जो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं वो फर्टाइल टिप होंगे एंड जो स्पोरेंजिया को बियर नहीं करते दीज आर स्टेराइल टिप एंड दिस इज एरियल स्टेम दिस इज राइजोम एंड दीज आर राइजॉइट्स ठीक है जो मतलब बिलो मनर्जी फोर्स में लोअर साइड हम कह सकते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ओके अब हम देखते हैं कि इसकी राइजोम एंड एरियर शूट की एनाटमी कैसी है किस तरीके से इसके इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दी एपिड सो एपिड एज यू नो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसमें कि क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ रैनियम थिक लेर ऑफ क्यूटिकल इज प्रजेंट हेयर द एरियल शूट हैल आपको पता है कि स्टोमेटा में इस तरीके की दो गार्ड सेल्स होती हैं तो यहाँ पर दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है सराउंडेड बाई मैनी सब्सिडारी सेल्स यानी कि उसमें गार्ड सेल्स के बाहर बहुत सारी जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं जिसे हम सब्सिडारी सेल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होती हैं एंड अब हम बात करते हैं कॉटेक्स का जो कॉटेक्स है डिस्टिंग इन द इन टू एन आउटर एंड इनर रीजन में डिवाइड होता है आउटर रीजन में अगर हम बात करें आउटर वाला जो पोर्शन है वहां पर वन टू फोर लेयर पेरनकाइमेटल सेल्स अरेंज होती हैं दीज आर एक्चुअली एंगुलर राइट एंड उसके अलावा अगर हम देखें इनर वाला जो पोर्शन होता है वहां पर भी पेरनकाइमेटल सेल्स होती हैं बट उनमें क्या होता है इंटर सेलुलर स्पेसेस होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस मीन्स दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं दीज आर इंटरसेलुलर स्पेस विच आर कनेक्टेड विद द आउटर स्टोमिटा इन द कॉटेस स्मॉल फंगल हाइफी वर प्रेजेंट और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें जो कॉटिकल पोर्शन है वहाँ पर जो है एज अ सिम बायोटिक रिलेशन के फॉर्म में जो है फंगल फंगल का जो हाइफी है वो प्रजेंट होता है नेक्स्ट वन इज वेस्कुलर सिस्टम तो उसका जो वेस्कुलर सिस्टम है प्रोटोस्टील है प्रोटोस्टील जो है ये सबसे फर्स्ट टाइप का वेस्कुलर बंडल है जो मैंने पहले आपको वीडियो है उसमें बताया है कि इस तरीके के जो वेस्कुलर बंडल है वो फॉसिल प्लांट में ही होते हैं राइनिया में इस तरीके का बंडल प्रेजेंट होता है जो स्टील है वो प्रजेंट होता है राइट और उसके अलावा राइजोम इन विच फ्लोएम सराउंडेड बाई जायलम फ्लोएम जो है वो जाइलम से सराउंडेड रहता है और स्पायरल थिकनिंग में इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोन ट्रैकेट प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ स्पायरल होती है द फ्लोए फोर टू फाइव डेयर ऑफ थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स विद ओब्लिक एंड सेल वॉल्ड और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो फ्लोएम है उसका वो फोर टू फाइव डेयर थिन है इलोंगेटेड सेल्स होती है उसमें जो की ओब्लिक एंड मतलब ओब्लिक एंड वाले जो हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और अगर हम बात करें फ्लोएम की तो यहाँ पर कुछ देर देर वर सम माइन्यूट सीव लाइक एरियाज ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द फ्लोएम सेल्स एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल वर नॉट डिस्टिंग यानी कि एंडोडर्मिस और जो पेरीसाइकिल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसको हम टू uh, पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते तो वो एक तरीके से मैशअप के फॉर्म में होता है उसे मतलब एक्यूरेटली uh, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते राइट यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनट ओके लेट्स सी दिस इज दी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस आप देख सकते हैं पूरी एपिडर्मिस की ये जो लेयर है राइट एंड हेयर यू कैन सी दिस इज कॉटेक्स ये जो दिखाया गया है ये वाला पोर्शन जो है वो कॉर्टिकल पोर्शन है दिस इज एपिडर्मिस एंड उसके अलावा जो इपिडर्मिस है उसके जो जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं है हाइपोडर्मिस एंड यहाँ पर जो है मैंने जैसे बताया कि कॉटेक्स को, के दो पोर्शन होते हैं इनर कॉटेक्स एंड आउटर काटेक्स ये एक्चुअल में जो माइक्रोस्कोपिक जो इसका व्यू है वो है एक्चुअल में एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मडल वाला पोर्शन है दैट इज़ जाइलम और उससे बाहर वाला पोर्शन जो है वो क्या है फ्लोएम यानी कि जाइलम इज़ सराउंडेड बाई फ्लोएम राइट right, तो उस तरीके का इसकी अनाटमी है अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेनली स्पोरजिया को सो so, पहले रीड कर लेते हैं देन अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया वर प्रेजेंट सिंगली ऑन द एपिक्सिस ऑफ एरियल शूट्स। द स्पोरेंजिया फर ओवल एंड नियरली ट्वेल्व मिलीमीटर लॉन्ग एंड फोर मिलीमीटर वाइड स्पोरेंजियम

प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअल में आप देख सकते हैं डायग्राम में ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर है ट्वेल्व मिलीमीटर लॉन्ग है फोर मिलीमीटर वाइड है और इसमें मल्टी लेयर्ड जैकेट हो सकती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट जैकेट राइट और इसके अलावा इसमें इन विच द आउटर वॉल इज़ मेड अप ऑफ थिक वॉल सेल्स जो आउटर वॉल है वो थिक वॉल जो सेल्स होती है उनसे मिलकर बनी होती हैं और इसके अलावा अगर हम देखें पहला साइड लाइट है इनर मोस्ट वाली जो लेयर है वो स्मॉल है राउंडेड सेल से मिलकर बनी होती है और इसमें बहुत सारे स्पोर्ट अट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज टैपिटम दिस इज टैपिटम दिस इज स्पोर ये स्पोर्स हैं इसके अंदर इस शेप्ड जो पियर शेप स्ट्रक्चर है उसके अंदर जैकेट प्रेजेंट है ये है एरियल शूट एक्चुअली यहाँ पर लेबलिंग नहीं है दिस इज जैकेट सेल ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आपकी आउटर लेयर है ओके okay? तो एक्चुअली इसमें कोई फंक्शन नहीं है तो इस वजह से थोड़ा मैं राइटिंग मेरी थोड़ा सही नहीं आ रही है इसमें कोई फंक्शन यहाँ पर प्रजेंट नहीं है सो सॉरी फॉर दैट लेट मी राइट दिस इज आउटर वॉल राइट अब आप देख सकते हैं कि जब डिविजन होता है यहाँ पर आप मैंने जैसे बोला कि एक्ट्राट कंडीशन में स्पोर प्रजेंट होते हैं तो इस तरीके से जब स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होते हैं अब अरेंज हो जाता है जब स्पोर का जब डिविजन होता है तो उसके बाद इसमें स्पोर इस टेट्राट इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसे स्पोर्ट एक्ट्रट कहते हैं द स्पोर्ट साइज वॉज सिक्सटी फाइव माइक्रोन एंड ऑल दी ऑल स्पोर्ट्स विमिलर सारे स्पोर्ट होमोस्पोरस कंडीशन प्रजेंट होती है इनकेस ऑफ राइनिया जो कि इतने माइक्रोन्स सिक्सटी फाइव माइक्रोन साइज के होते हैं थिक वर्ल्ड क्यूटिनाइज वर्ल्ड इनमें प्रेजेंट होती है स्पोर के बाहर जिस तरीके से इसके अनाटेमी में प्रजेंट होती है ईच स्पोर्ट शोल्डर ट्राई रेडिएट मार्क एंड इसके अलावा जो टेट्राहेल अरेंजमेंट होता है स्पोर का वो मियोसिस की वजह से होता है जैसे मैंने आपको बताया जब डिवीजन की प्रोसेस होती है द गेमिटोफाइट इन टेरिटोफाइट्स इज जनरली वेरी फ्रेजाइल एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द गेमिटोफाइट ऑफ राइनिया तो ये फॉसिल प्लांट है तो जितने इसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर ये सब इसके बेसिस पर उसको क्लासीफाई किया गया है एंड इसके गेमिटोफाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक, तक अवेलेबल नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं हम लाइफ साइकिल सो लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ राइनिया यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है जिसमें कि ये स्पोरेंजियम है टॉप मोस्ट पोर्शन को जूम करके दिखाया गया है एंड आफ्टर म्योसिस के पास ये टेट्राड कंडीशन बनती है जब इसमें म्योसिस होती है एंड टेट्राट कंडीशन बनती है उसके पास जो स्पोर हैं वो बस करने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं मेल वाले पोर्शन को आपको पता है कि एंथ्रीडियम कहते हैं फीमेल वाले को हम कहते हैं आर्चिगोनियम आर्चीगोनियम से स्पम्प्स बनते हैं ओके जिसे स्पोर के फॉर्म में स्पम्प बनते हैं आर्चिगोनियम में एग की फॉर्मेशन होती है एंड देन सिन्गेमी होती है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इसमें जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वो अगेन फिर उसकी फॉर्मेशन होती है तो इस तरीके से इसमें जो है कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है चलती है सो फ्रेंड्स इट वॉज ऑल अबाउट दी राइनिया जितना मुझे मटेरियल मिला जितना मेरे को दिखा तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो तैयार की है सो गाइस इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो